ये आकाश जी हैं हमारे कार्गो डीजल के कस्टमर, वसीम जी ने इन्हें गाड़ी दिया है निर्मल महतो के नाम से, और मांझी के कस्टमर हैं। इन्होंने 2014 में महिंद्रा की गाड़ी रखी डीजल, जो 2017 में सेल कर दिया। गाड़ी में बहुत सारी समस्याएं थी, इस वजह से इन्होंने सेल किया। उसके बाद पियाजियो लिए 2018 में, और 2021 में फिर वो गाड़ी भी सेल कर दिए। इनके पास पियाजियो का BS4 था, उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उस प्रॉब्लम को ये वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद अभी इन्होंने दिसंबर में वसीम से गाड़ी ली है बजाज की, और अभी गाड़ी से काफ़ी संतुष्ट हैं। इनका खुद का कहना है कि गाड़ी की टान बहुत अच्छी है, ये गाड़ी जितना अच्छा हमको माइलेज दे रहा है पियाजियो नहीं देता था। ठीक है, मैं आकाश जी से जानना चाहूँगा पहले महिंद्रा का क्या फीडबैक रहा है, और फिर उसके बाद पियाजियो के बारे में भी जानूँगा। आकाश जी, आप जो महिंद्रा का गाड़ी लिए थे वो आपको कब तक रखे थे और क्या प्रॉब्लम आई थी कि पीछे? महिंद्रा गाड़ी 2014 मैंने लिया था अक्टूबर में। गाड़ी शुरू में तो अच्छा चल रही थी, पर कुछ दिन चलने के बाद जैसे रोड जैसे ख़राब होता है, उसमें चलने के बाद उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। पहले तो गाड़ी में इंजन का प्रॉब्लम आने लगा, मैंने फिर इंजन का काम कराया, फिर गाड़ी के जितने पार्ट्स हैं सब टूटने लगे। ज़्यादातर एक्सल मेरा ज़्यादा टूटने लगा, जो चक्का में एक्सल लगा रहता है ना, वो टूटने से फिर दिक्कत होने लगा। तो मैंने बहुत गाड़ी में काम करवाया, और उसका ब्रेक, मैंने उसका ब्रेक का काम बहुत सारा कराया, पर ब्रेक उसका सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि मास्टर सिलेंडर भी मैंने चेंज कराया, फिर भी उसका ब्रेक का सुधार नहीं हो पाया। तो लास्ट में उसको मैंने बेचने का फैसला किया और मैंने उसको सेल कर दिया गाड़ी। जैसा कि बता रहे एक्सल में प्रॉब्लम, तो एक्सल से क्या प्रॉब्लम आ रहा था आपको? से गड्ढा में चोट लगने पर टूट जाता था एक्सल उसका, मैंने 3-4 बार उसका एक्सल चेंज कराया। तो इसमें कंपनी वारंटी देती थी एक्सल में? इस समय वारंटी नहीं रहता ना। तो फिर 2017 में इसी वजह से आप महिंद्रा की गाड़ी को बेच दिए टेम्पो को, उसके बाद आपने पियाजियो खरीदा। पियाजियो तो BS4 अच्छा भी रहा था, लेकिन ऐसे पियाजियो में कितने दिन रख दिया? पियागो मैंने रखा 3.5 साल। माइलेज कैसी थी पियागो का? माइलेज 20 से 25 तक की थी। 20 से 25 देता था, क्योंकि लोडिंग कैपेसिटी इनका ज़्यादा था, इसी वजह से माइलेज जो थी थोड़ी गाड़ी की कम थी। और बाकी क्या परफॉर्मेंस था पियाजियो का? उतना खास नहीं। कुछ अच्छा भी बताइए और जो कमी थी वो भी बताइए। अच्छा के लुक वाइज अच्छा था, बाकी जब मैंने नया में लिया था तो चाल भी उसका कोई अच्छा नहीं था।